नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावी बिगुल बज चुका है। 2024 की चुनावी लड़ाई का मूड इन पांचों ही राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए सभी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोर शोर से उम्मीदवारों पर फोकस कर रही है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। दरअसल एनडीए के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही नया गठबंधन बनाने का बिगुल फूंक दिया था, जिसके बाद इंडिया गठबंधन बना और कई बार कांग्रेस और नीतीश के बीच तल्खियां भी देखने को मिली। अब नीतीश के एक बयान से सियासी मैदान में हलचल पैदा हो गई है। नीतीश ने कार्यक्रम के दौरान बयान देते हुए कहा कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक बीजेपी से उनकी दोस्ती कभी टूटने वाली नहीं। नीतीश के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से खासी नाराजगी जाहिर की है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि एमपी में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है, उनका भरोसा तोड़ा है और जो व्यवहार उनके साथ कांग्रेस ने किया एमपी में वैसा ही व्यवहार सपा कांग्रेस के साथ करेगी मौका आने पर। तो देखिए किस तरह से अब यहां इंडिया में दरार दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन में दरार रार बढ़ रही है उसको लेकर क्या कुछ बयानबाजी हुई है, सबसे पहले वो सुनिए। हमारा तो दोस्तिया कहीं खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके, सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा, तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। अब देखिए, हमारी जो अपनी क्षमता है, हमारी ताकत है, हम उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है, तो वहाँ आपको समर्थन करना चाहिए। वहाँ तो आप एक सीट भी आपका एमएलए था वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो वहाँ तो आपका कोई आधार रह नहीं गया। वहाँ पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव जी को खड़ा होना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। पाँचों स्टेट में अखिलेश जी को पाँचों स्टेट में समर्थन करना चाहिए। ये जो इंडिया गठबंधन ये हो रहा है, तो इससे लगता है कि ये अपने अपने दल का अस्तित्व स्वयं समाप्त करने वाले हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही, ये लोग स्वयं अपने अस्तित्व को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। देश की जनता सब देख रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और अभी इनका जो कुनबा है इकट्ठा होने में अभी बड़ा संकट है। चलिए, तो पहले ही बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल उठाती रही है, सीटों की खींचतान ये कितना आगे बढ़ सकती है उसको लेकर कई बयान जारी किए गए हैं। और देखिए, ऐसा ही इसकी शुरुआत हो भी चुकी है एमपी में, किस तरह से सीटों की खींचतान से अखिलेश खासा नाराज नजर आ रहे हैं। और देखिए, तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे दो सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं।